हमारे बीच में कल्याण जी परिवार से दिनेश कल्याण जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका हम स्वागत करते हैं, मंच से अभिनंदन करते हैं। नयन राठौड़ जी हमारे बीच में है, प्लेबैक सिंगर हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में सत्यम सत्यार्थी जी हैं, आपका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। संगीत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो हमारे ऑक्टोपैड पर तुषार भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। कॉम्बो ढोलक पर है शेखर देशपांडे जी, आपका धन्यवाद। नमन उपाध्याय जी हैं सिंथेसाइजर पर, उनके साथ में चेतन उपाध्याय जी जिन्होंने आज की शाम को बांधा है, आप सभी का अभिनंदन। बस आया सावन झूम के, है ना। मैं अगले गीत के लिए बुलाना चाहती हूँ मृणालिनी जी और संजय पाटिल जी को। सौतन फिल्म का यह गीत 1983 का, उषा खन्ना जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। जी जी, लता ताई किशोर दा ने इस गीत को गाया है। ये गीत आपके बीच में आएगा, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि जिसने इस गीत को बोल दिए हैं, जब वो इस मंडप पर पदार्पण करें, यहाँ पर वो पहुंचे, तो उस गीत की सुरों के साथ, उन सर लहरियों के साथ में उनका हम अभिनंदन करें। आपको बताएं, हम लोगों ने बीच में दो तीन गाने उनके लिए छोड़ दिए कि हम गाएंगे तो उनके साथ ही गाएंगे, उनके सामने ही गाएंगे। जिसके गीत हैं उसे सुनाने का आनंद अलग ही होता है ना। अच्छा चलिए, आपको इन लोगों का संगीत अच्छा लग रहा था, क्योंकि क्या हुआ, बीच में आप सब क्योस में आ गए थे, मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। बजाना मत भैया, आप आ गए, ताली नहीं आए तो बजाना ही नहीं। हम लोग कैसे समझते हैं, हम सिर्फ ताली समझते हैं। सही बात है, एक बार जोरदार तालियां हमारी संगीत की इस टीम के लिए। मैं आपके साथ कुछ वाक्य साझा करना चाहती हूँ उस पैंडेमिक के, उस समय के, जब ये संगीतकार जो संगीत बजाते हैं, कुछ तो संभ्रांत परिवारों से हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, संगीत साधना भी करते हैं, पर कुछ होते हैं जो सिर्फ यही करते हैं और यही करके कमाते हैं और यही करके खाते हैं। वो दो साल, मैं जब पहला कार्यक्रम पैंडेमिक के बाद पहला कार्यक्रम करने गई, एक तबला वादक आए, उनके हाथ में एक थैला था, बड़े गंदे से कपड़े थे जी, मुझे लगता है बड़े लोगों का सब खड़े होके आना चाहेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। जानते हैं आपके बीच में कौन आया है? फिल्म की एक पूरी किताब, मोटी सी, जिसमें जाने क्या क्या राज है, जाने कितनी सारी बातें हैं। एक बार अपनी करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए जिस सावन का इंतजार आप इतनी देर से कर रहे थे। हाँ, जिसको ताली में सीटियां बजानी आती है बजा सकते हैं, क्योंकि ये वो कलाकार है जिनके तालियां और सीटियां ही उनका शायद अभिनंदन कर सकती है और कुछ नहीं कर सकता। सर, मंच पर आपको पाकर हम सभी बहुत खुश हैं। मंच से ही मैं इन सभी की ओर से आपको प्रणाम करती हूँ। मैं बुलाना चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर, हेलो जी, मैं बुलाना चाहती हूँ प्रीति मिश्रा जी को, वो मंच पर पधारे और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष सावन साहब का और आप सभी का अभिनंदन करें। प्रीति मिश्रा जी। थैंक्स यदि। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सावन कुमार टाक। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ सिंपल म्यूजिकल्स और सोर आराधना की तरफ से, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल कर यहाँ सभी कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए पधारे हैं। मैं उसी के साथ स्वागत करती हूँ श्री चंदन टाक का, श्री सुनील टाक का और यहाँ आए सभी अतिथिगणों का। श्री सावन कुमार टाक, ये नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक बेहद सफल डायरेक्टर,
एक बेहद सफल निर्देशक, लिरिसिस्ट, राइटर और भी न जाने क्या क्या, लेकिन इन सब के साथ एक बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। ये हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अभिनेता बनने की चाहत इन्हें जयपुर से कलकत्ता और फिर कलकत्ता से मुंबई ले आई। मुंबई में जब काम की तलाश के दौरान एक दिन ये महान निर्देशक बिमल रॉय के सेट पे पहुंचे, तो वहां इन्होंने देखा कि बिमल रॉय वो दिलीप साहब और मीना जी को कुछ निर्देश दे रहे हैं। इनका मन तभी बदला और इन्होंने ठाना कि नहीं, अब तो मुझे डायरेक्टर बनना है और मूवीज को डायरेक्ट करनी है। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब हम शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। ऐसा ही कुछ सावन जी के साथ हुआ। पंडित नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद उनका देश के नौनिहालों से जुड़ाव को देखते हुए एक स्क्रिप्ट लिखी और वो स्क्रिप्ट लेकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अपने मजबूत कदम रखे और हमें देखने को मिली एक बेहद उम्दा मूवी, एक बेहद बेहतरीन फिल्म नौनिहाल। नौनिहाल फिल्म को देखने के लिए सावन जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने आवास पर बुलाया। इस मूवी का एक गाना जो अमर हो गया, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो, जिसके शब्द महान कवि कैफी आजमी साहब ने लिखे और उसको आवाज दी महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने। उसने न बस श्रीमती इंदिरा गांधी बल्कि हर देशवासी की आंख नम कर दी और उसके बाद सावन जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमें मिली एक से एक बेहतरीन फिल्म्स, पारिवारिक फिल्म्स देखने के लिए, जिसमें मेजर जो नाम आते हैं वो गोमती के किनारे, अब क्या होगा, सौतन, साजन की सहेली, साजन बिना सुहागन, बेवफा से वफा, सनम बेवफा और द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन। मैं सारी फिल्म्स के नाम आज शाम में नहीं समेट सकती। यहाँ पर इनके व्यक्तित्व का जो संगीतमय रूप है वो भी बात करना उसके बारे में काफी प्रासंगिक होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन जी की मूवीज में ज्यादातर संगीत उषा खन्ना जी ने दिया। जब भी सावन जी अपने लिरिक्स लेके उषा जी के पास जाते तो उषा जी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती कि आप थोड़ा गुनगुना के बताइए, और जब सावन जी गुनगुनाते तो उषा जी का रिएक्शन आता कि बस आपके गाने की धुन तैयार है। और इस जोड़ी ने हमें दिए बेहतरीन से बेहतरीन नगमे जो आज भी हमारे दिलों के उतने ही करीब हैं और हम आज भी उन्हें उतने ही प्यार से सुनते हैं और आप देख रहे होंगे और आगे भी आपके सामने पेश होंगे उन्हीं बेहतरीन नगमों में से चंद नगमे। काम करने की लगन का जज्बा जो हमने देव साहब में देखा था वही हम सावन जी में भी देखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं सर कि आप एक फिल्म जल्द से जल्द बनाएं ताकि पूरा देश ये कह सके कि देखो फिर से आया सावन झूम के। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सावन को झूम के आना ही पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। पिक्चर अभी बाकी है सर, बहुत कुछ देखना बाकी है। आपसे उन लोगों ने सीख लिया जो हमसे उम्र में बड़े थे, अभी हमें सीखना है। तो हम चाहते हैं कि आप पधारें, फिर से पदार्पण करें और हमें शिक्षा दें, क्योंकि हम जानते हैं आप खुद पूरा का पूरा एक विश्वविद्यालय है, जो निर्देशक है, जो लेखक है, जो गीतकार है, जिसे खुद संगीत का ज्ञान है, उसे क्या जरूरत है किसी और की। कैमरा शॉट तो आपको पता ही होगा, लाइट्स आपको पता ही होगी, अकेले पूरी पिक्चर बना सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां सावन साहब के लिए। सचमुच बहुत गर्व और बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको सामने देखकर, सामने बैठे देखकर, क्योंकि ये सब चीजें ना हम जानते हैं कि हम तो अपने जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों को जी लेंगे, पर जो आपने जिया है शायद वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। उस ऊर्जा को हम लेकर आज यहाँ से जाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी इस ऊर्जा में से जितनी ऊर्जा लेकर जा सको जरूर जाना, बहुत काम आएगी। चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और मैं वो बात आपको बता रही थी ना कि वो संगीतकार आया था, वो तबला वादक आया था,
वो तबला वादक बड़े गंदे से कपड़ों में आया और उसने एक थैला लिया हुआ था जो बड़ा गंदा सा था, मैला कुचैला सा था, और वो अंदर, ये सत्य घटना है, अंदर गाना गाने के लिए आ गया, अंदर तबला बजाने के लिए बैठ गया। मैं मंच संचालिका थी, मैं वापस गई, मैं यहाँ से अनाउंसमेंट करके पीछे गई और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में, जिज्ञासा थी क्या है इस बैग में, और बैग को खोल के देखा, मेरी आंख से आंसू धड़क पड़े, उसमें जूता पॉलिश करने का सामान था। ये दिन देखे हमारे संगीत वादक कलाकारों ने, इसलिए हम चाहते हैं कि जिसने अपने जीवन में वो दिन देखने के बाद वापस उसी ऊर्जा के साथ आपके लिए बजाने के लिए यहां बैठे, उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए आगे बढ़ती हूं, अब जब आप सामने हैं तो गीत आपका ही होना चाहिए और हम उन्हीं गीतों का आनंद उठाना चाहते हैं। सावन कुमार की कलम से निकला हुआ ये प्यारा सा गीत, उषा खन्ना जी के संगीत से सजा हुआ, 1983 की सौतन फिल्म का ये गीत। कोई बताएगा लता और किशोर की आवाजें हैं, लता ताई और किशोर दा की आवाजें हैं, गीत के बोल क्या है? किस किस ने बोला? बगल वालों संभालो।